आज की वीडियो में हम आपको एसिनेक्स-पी टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको एसिनेक्स-पी टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो इस टैबलेट के मार्केट प्राइस की बात करें तो 63 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। इसकी मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इस टैबलेट के कॉन्टेंट के बारे में। तो इसमें एसिक्लोफिनिक और पैरासीटामोल होता है। इसके प्रत्येक टैबलेट में एसिक्लोफिनिक जो कि 100 mg में होता है और पैरासीटामोल जो कि 325 mg में होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में, एसिनेक्स-पी टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक NSAID ग्रुप की दवा है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इसका इस्तेमाल दर्द, बुखार और सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह एक एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है। तो शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, चाहे वो कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द हो, इसके अलावा गर्दन में होने वाला दर्द, हाथों पैरों में होने वाला दर्द या हड्डियों के जोड़ों में होने वाला दर्द, तो इन सब दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अर्थराइटिस की समस्या में भी किया जाता है। इसके अलावा दांतों में दर्द हो रहा हो या मसूड़ों में दर्द हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चोट लग गया हो या मोच आ गई हो जिसमें दर्द और सूजन होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में दर्द हो रहा हो या सर दर्द हो रहा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पथरी में होने वाले दर्द को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो या बुखार हो तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति के लिए होता है वो एक गोली सुबह और एक गोली शाम इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। और आइए जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जी मसलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, सीने में जलन महसूस हो सकती है, इसके अलावा गैस बन सकता है, दस्त हो सकती है और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं। तो ये सब इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी एसिनेक्स-पी टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।